गंगापुर सिटी के बामनवास क्षेत्र में बोरवेल में गिरी महिला के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने 7 दिन बाद बोरवेल से महिला का शव निकाल लिया है। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के समीप 100 फीट से भी गहरा गड्ढा बनाकर सुरंग के माध्यम से महिला का शव निकाला। प्रशासन की टीम महिला के शव को अस्पताल ले गई, अस्पताल उसको फिलहाल भेज दिया गया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि महिला की जान बच भी सकती है, लेकिन 7 दिन बाद अब महिला का शव बोरवेल से बाहर निकाला गया है। नहीं बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है जी। कितना घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है? करीब 30-32 घंटे से फोर्स हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर रही हैं, और ऑपरेशन में हम लोग बिल्कुल 100% सक्सेस हो गए और पूरा बॉडी को। महिला क्या मृत हो चुकी है या जीवित है? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन अपन इस पोजीशन को नहीं बता सकते क्योंकि ये टेक्निकल काम है। हाँ। बाकी डेथ बॉडी को सुरक्षित निकाल, यानी बॉडी को सुरक्षित निकाल दिया। जो भी ये घटना हुई है बड़ी दुख की बात है, पर हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने हमने सामने मिल के इस घटना को संपूर्ण तरीके से पूरी कर दिया। और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि जो ऐसी घटना समाज के लिए और गांव के देश के लिए ये दुखद घटना है, होनी नहीं चाहिए ये घटना। और जो भी हम पे सहयोग बना इस घटना में, जो भी खर्चा वर्चा सब हम अधिकारियों से सब हमने मिल के ये कंप्लीट की। अधिकारियों के कर्मचारियों को प्रशासन की काफ़ी बड़ी मेहरबानी रही हमारे ऊपर जी, जान से धनर रात यहाँ पर मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। जैसा कि आप लगातार देखते हो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर आप लोगों को प्रत्येक क्षण का पता है कि क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या समस्या नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके सहयोग से ये सारा कार्य संपन्न हो चुका है और उनके द्वारा भी एक विपरीत स्थिति हो, जो कि मुझे लगता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का है, ये पहला दृष्टांत होगा कि इस परिस्थितियों में ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन और रिकवरी ऑपरेशन किया जो वास्तव में सराहनीय है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा।